एक्चुअली देखा जाए तो सिंदूरी को इस प्लान के बारे में कुछ पता नहीं है, पर जितना मैंने सिंदूरी जब संतोषी के शरीर में थी तो संतोषी ने जो जो चीजें की हैं वो कुछ चीजें रिकॉर्ड हो गई हैं, और संतोषी ने अब वो रिकॉर्डिंग देख ली है। तो अब संतोषी को समझ में आ रहा है कि वो एग्जैक्टली किस तरह से बिहेव करती थी, क्या करती थी। तो अब वो एक फूट डालने की कोशिश करेंगी मुझ में और मधु में, क्योंकि मैं और मधु एक टीम बन चुके हैं। तो ये उसी प्लानिंग के, आई थिंक ये उस मेन प्लान का फर्स्ट स्टेप है कि वो उन्हें गिरा रही है और फूट डालने की कोशिश कर रही है बेसिकली। कुछ बोल रहे थे मैम से कि आपका भी कुछ प्लान है उसके दिन क्या? अभी अगस्त बोल रहे थे कि मैं उसके लिए प्लान हाँ जी, नागपंचमी है तो क्योंकि मैं नाग देवता की पुजारण हूँ और बचपन से उनकी पूजा करते आ रही हूँ, तो नागपंचमी के लिए मैंने कुछ वादे लिए थे धैर्य से, जो कि जो एज इन सिंदूरी सिर्फ मुझे याद है और धैर्य को याद है। तो मेरा वो कॉन्फिडेंस है कि नागपंचमी के दिन जब मैं वो चीजें करूंगी तो धैर्य के साथ मैंने डिस्कस की थी, तो धैर्य समझ जाएगा कि मैं ही असली संतोषी हूँ। मतलब इसमें भी कंफ्यूजन है कि संतोषी कौन है? नहीं, देर इज नो कंफ्यूजन कि संतोषी कौन है, कि संतोषी के शरीर के अंदर मेरी आत्मा थी। तो संतोषी को तो वो 3 हफ्ते बिल्कुल याद नहीं है, और जब मेरे मेरे शरीर में मेरी आत्मा वापस आ गई है तो मुझे सिर्फ वो 3 हफ्ते याद है। तो आइडली संतोषी संतोषी है और सिंदूरी सिंदूरी है, बस सिंदूरी का एक मिसकंसेप्शन है कि वो संतोषी है।